hard to pronounce. Can I call you mine? That's pretty sweet. That's good. That's a good one. Classic. Thank you. हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग व्लॉग। तो आज है मंडे और आज डायरेक्शनल करेंगे और आज न्यूज़ भी है हमारी बैंक एचडीएफसी बैंक की, उसका Q4 का प्रॉफिट राइज हुआ है अराउंड 24% ना 21% दिखा रहा है 21%। तो आज थोड़ा वोलेटिलिटी रह सकता है मार्केट में, तो थोड़ा देखते हैं कहाँ पे करना है। और न्यूज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्राइस एक्शन थोड़ा सा चॉपी होगा और पॉजिटिव मतलब थोड़ा नीचे जाने के चांसेस मोस्टली रहते हैं। प्रॉफिट थोड़ा आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से हो सकती है, मतलब ट्रैप हो सकते हैं ऊपर से। तो देखते हैं कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:30 और ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल आई है। तो कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट के। तो फर्स्ट कैंडल देखो 192 पॉइंट्स की है, उसके बाद और नीचे गए तो टोटल जो फॉल हुआ है वो 242 पॉइंट्स है, बहुत बड़ा फॉल है। मैंने तो ऐसी फर्स्ट कैंडल जो इतनी बड़ी है मैंने फर्स्ट टाइम देखी इतनी बड़ी 200 पॉइंट के अराउंड की फर्स्ट कैंडल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। HDFC बैंक का रिजल्ट था तो पॉजिटिव बहुत रिजल्ट था, इसके बावजूद ओपनिंग के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल हुआ है, मतलब रिटेल लोगों को ट्रैप किया है, बड़े प्लेयर ने यहाँ पे क्वांटिटी डंप कर दी, इसके वजह से ये पैनिक फॉल ओपनिंग पे आया। तो HDFC बैंक भी देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी है सेलिंग की, तो अराउंड 2% का यहाँ पे फॉल हुआ है HDFC बैंक में। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे फॉल हुआ है, बैंक निफ्टी देखे तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बड़ा फॉल हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और जैसे ही मार्केट में ये रेड कैंडल बनी उसके बाद हम ऑप्शन चेन देख रहे थे, तो प्रीमियम इतने बड़े थे, आईवी इतना बढ़ गया था, ये भी देख सकते हो अभी भी प्रीमियम हाई है। तो यहाँ पे पुट का प्रीमियम देखो पूरे के पूरे ग्रीन में, मतलब यहाँ पे परसेंटेज देखो 100 से लेकर 300% बढ़े एंड कॉल सिर्फ 50-60% गिरे, मतलब ओवरऑल प्रीमियम गेन हुए थे। कल देखे थे तो 80-82 कुछ तो प्रीमियम था स्ट्रैडल का, आज 94-92 ऐसा कुछ तो चला गया था। तो इसकी वजह से हमने डिसीजन लिया कि शॉर्ट स्ट्रैंगल करते, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में बनाया है ट्रेड, प्लान नॉन डायरेक्शनल का नहीं था बट अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे इसलिए किया। और अभी 5000 का प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ स्ट्रैडल सेल के, और इसमें टाइम डिके और आईवी कूल ऑफ हमें मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, अराउंड 9-10,000 का स्टॉप लॉस है और टारगेट भी उतना ही लेने के लिए ट्राई करेंगे। और कौस्तुभ भाई ने नया फ़ोन लिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स, और नए फ़ोन में प्रॉफिट भी चल रहा है तो बढ़िया लग रहा है फ़ोन। कौन सा कलर लिया है, पर्पल ना? पर्पल। हाँ देखो कितना बढ़िया लग रहा है कलर, और 256 GB अभी हो जाता कितने लौट जाते इसमें, इसमें जाते हमारा ऑफिस चले जाता लॉट दो लॉट तो जाते आराम से निफ्टी के बट बढ़िया। और मैंने भी एक चीज लिए दिखाता हूँ आपको, ये देखो सेकंड जेन, हाँ एयरपॉड्स प्रो 2 सेकंड जनरेशन के मैंने गिफ्ट किया ना। हाँ तो तुमने आईफोन लिया इसकी वजह से एक एयरपॉड मुझे भी गिफ्ट किया, तो बढ़िया प्रोडक्ट है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आज स्ट्रैडल में प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी लग रहा है कि हो सकता है, कितना चल रहा है अभी प्रॉफिट, वही है 5,600 मतलब मिला है क्वेश्चन, देखते हैं जो होता है वो बुक करेंगे। और डायरेक्शनल जो सेटअप है हमारा वो भी अगर मिलता है ये चालू है तब तक, तो अभी वो डायरेक्शनल सेटअप भी लेंगे ट्रेड अभी तो प्राइस एक्शन चौपी है थोड़ा, नहीं अभी तो नहीं मिलेगा, न्यूज मार्केट में ऐसा ही होता है, कहीं तो भी जाना चाहिए उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट। और देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर प्रॉफिट मतलब कौन से भी कंपनी प्रॉफिट या फिर लॉस अपना डिक्लेयर करती है या फिर बड़ी न्यूज़ होती है तो उसके बाद अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो पॉजिटिव ही मार्केट जाएगा ऐसा नहीं होता, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आई तो नेगेटिव ही जाएगा ऐसा भी नहीं होता, मतलब न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं होती। तो प्राइस एक्शन एंड प्रॉपर लेवल से ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज देख सकते हो आप यहाँ पे कितना बढ़िया मतलब रिजल्ट था ना, 21% का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में राइज था HDFC बैंक का, बट ओपनिंग के बाद इतना बड़ा सेल ऑफ आया, मतलब प्रॉफिट बुक की है। ये न्यूज़ आप तक पहुंचने से पहले बड़े लोगों के तक पहुंच चुकी होती है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन पहले से ही बना के रखी होती है और मार्केट अपना प्रॉफिट बुक करती है जब न्यूज़ आती। तो एक बार कैंडल कैलकुलेट करो ना कितने परसेंट की फर्स्ट कैंडल, हाँ फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स की परसेंटेज, ओह माय गॉड 3% 5 मिनट में, ये बैंक आपको कितने परसेंट रिटर्न देती है साल में 3%,
और 5 मिनट में 3% रिटर्न गए। 5% नहीं नहीं सेविंग अकाउंट के सेविंग अकाउंट 3%। हाँ एफडी के नहीं बोल रहा, सेविंग अकाउंट 3%। और देखो इन्होंने एक ही कैंडल में सबके ले लिए एक साल के परसेंट। न्यूज़ पे अगर ट्रेडिंग, मतलब मैं तो कहता हूँ रिटेल लोगों को न्यूज़ है अगर बड़ी तो उस दिन ब्रेक लेना चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा कुछ तो हो सकता है न्यूज़ पे, चांस भी नहीं देता मार्केट। और ऑप्शन में तो बहुत खतरनाक होता है, ये तो इक्विटी का 3% है, ऑप्शन में आईवी भी बड़ा होगा और इतना पुट में इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ होगा ना, अगर पुट सेलर है ना इसमें तो खत्म, कैपिटल खत्म हो जाएगी 3% से भी बहुत बड़े। और देखो अभी प्रॉफिट भी थोड़ा स्मूथली आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि ओवरऑल आईवी यहाँ पे बहुत बढ़ गया था, अब नीचे फॉल हुआ था। जब भी बड़ी मूवमेंट होती है तो आईवी बढ़ता है, तो बढ़ने के बाद हमने एंट्री ले ली। तो ऐसी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, देखो अभी स्मूथ डीके मिलेगा और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ठीक है अभी देखते कुछ नया ट्रेड मिलता है या फिर इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको दिखाएंगे। लियो वो देखो हमारे साथ अभी लियो आया है, लियो घाने लियो होते चांगले नसते थे आणि स्टिंग येते, स्टिंग नसते राहायचं, न्यूज नाही बघितले का? न्यूज में आया था कल, व्हाट्सएप पे आया था ना, स्टिंग का ब्रांड एम्बेसडर लग रहा है लियो, ये टी शर्ट की वजह से देखो ना मैच हो रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है देखो ये देखो स्टिंग बॉय। देखो कल न्यूज में आया था स्टिंग का, एक महीने के बाद कोई ऐसा मर गया, और मुझे तो ऐसा फेक ही लगता है ना, फेक ही होगा क्योंकि फेमस हो रहा है, फेमस हो रहा है तो फेक लग रहा है। सब जगह ट्रैप होते, आज भी देखो ट्रैप हो गया ये स्टिंग में भी ट्रैप, तो हमको थोड़ा होशियारी से खेलना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट हो या फिर कुछ भी हो, स्ट्रेटजी होती है सब में। राइट लियो जो खाऊंगे देखो, लियो को खाने के लिए भी लाया थोड़ा उसका पेडिग्री। क्या खाते लियो तू? अगर यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता है या फिर एक बाउंस आता है ना तो और अच्छा आईवी डाउन होगा हमारे लिए, बेनिफिट हो सकता है अगर बाउंस आता है तो। और यहाँ पे एक लेवल भी है थोड़ा सपोर्ट भी, तो यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस लेना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है बिकॉज पैनिक में मार्केट, देखो ना ओपनिंग से कितना बड़ा फॉल हो रहा है, अभी देखते हैं जा भी सकता है प्रॉफिट। पीएनएल देखो थोड़ा कम हो गया होगा, अभी टाइम हो रहा है 10:25 और हमने प्रॉफिट बुक किया है निफ्टी में स्ट्रैडल, अराउंड 10,500 प्रॉफिट बुक हुआ है। तो जब ये बाउंस आ गया था ना ऊपर की साइड तब अच्छा फिर से डीके देखने को मिला, मतलब पुट यहाँ पे एक्सपांड हुआ था तो फिर से इसने कूल डाउन किया तो अच्छा प्रॉफिट फिर से आ गया। तो हमने अभी दो शेयर्स लिए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो इन्फी और TCS। इसका रीज़न ये है कि बहुत मतलब नेगेटिव न्यूज़ आई थी क्योंकि क्वार्टरली फोर्थ रिजल्ट बहुत ही कम थे, मतलब अच्छे नहीं थे, तो लोअर सर्किट भी लगा था आज ही। तो इसमें इन्फोसिस में देखो अराउंड कितना परसेंट डाउन हुआ था देखते, देखो आज हुआ था ऑलमोस्ट 14.64% और हमने अराउंड 11.4% जब नीचे था आज का तो हमने एंट्री ले ली इसमें। और TCS भी लिया, TCS भी डाउन था, TCS कुछ ज़्यादा नहीं था पर ऑलमोस्ट 3-4% डाउन था तो इसलिए मैंने भी ले लिया क्योंकि TCS थोड़ा स्ट्रांग लगे। तो इसमें अराउंड 22,000 और इसमें भी अराउंड 25,000 ऐसा हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं, जब नीचे और जाता है तो थोड़ा थोड़ा और बीच में हम बाय करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे अच्छे स्टॉक ऐड करने अपॉर्चुनिटी लगी है इन्फोसिस में तो ऐड किया। और एक रीज़न भी है प्राइस एक्शन के हिसाब से, फिबोनाची भी लगा के दिखा सकते हैं।
फिबोनाची का जो टूल होता है हमने बहुत बार वीडियोस में कवर किया है। यहाँ से बॉटम से लगाना होता है टॉप पे, बॉटम में लगाना है और टॉप कैच करना है, और जब यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई है वो लेवल देखनी है, तो यहाँ 0.5 मतलब इम्पोर्टेंट है, गोल्डन रेशो बोलते हैं। इसके बारे में हमने रील वगैरह भी किए और यूट्यूब वीडियोस में भी कवर किया है, तो रिट्रेसमेंट लेवल 50% रिट्रेस हुआ है, तो अच्छा रिट्रेसमेंट है। और यहाँ से अभी मतलब नीचे की तरफ रिस्क थोड़ी कम है, ऊपर हमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा मिल सकता है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा हो सकता है इसमें, तो इसके वजह से ऐड किए। तो अभी देखते ट्रेड तो एक खत्म हुआ है, देखते दूसरा कुछ मिलता है क्या, नहीं तो आराम से करेंगे मार्केट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी देखो आपके सामने यहाँ पे ये निगेटिव न्यूज़ थी इन्फोसिस की, मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, 2.3% कुछ तो डिक्लाइन हुआ है, डाउन हुआ है देखो प्रॉफिट में, तो इसकी वजह से ये निगेटिव न्यूज़ है और मार्केट में इन्फोसिस में गिरावट आई है। और दूसरी तरफ HDFC बैंक की पॉजिटिव न्यूज़ थी, प्रॉफिट 21% राइज हुआ था, इसके बावजूद HDFC बैंक भी गिरी है और बैंक निफ्टी भी गिरी है, तो निगेटिव न्यूज़ पे भी मार्केट गिरा है और पॉजिटिव पे भी गिरा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्राइस एक्शन जो भी होता है ट्रैप करते हैं लोगों को, तो ट्रैप होते हैं। और क्या हुआ भाई, लियो ये स्टिकर गिर गया हमारा क्या देखते क्या। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब इन्फी में देखो नेगेटिव न्यूज आई है ना, तो बहुत लोग शॉर्ट करेंगे, पर शॉर्ट कहाँ पे करेंगे, ऑलरेडी इतना गैप डाउन है, मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अगर वर्क भी होता है तब भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिलती हमें एंट्री के लिए, मतलब रिटेल ट्रेडर्स के लिए। और बैंक निफ्टी में हुआ है वहां पे अपॉर्चुनिटी जानबूझ के लिए, ज्यादा गैप अप नहीं हुआ ओपन और उसके बाद नीचे, तो ट्रैप करने के लिए अगर ट्रैप अगर करना है तो अपॉर्चुनिटी देते, अगर ट्रैप नहीं करना तो सीधा गैप बना देंगे, तो नेगेटिव न्यूज पे डायरेक्टली गैप डाउन और यहाँ से पॉजिटिव होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और पॉजिटिव न्यूज पे फ्लैट या फिर गैप अप और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, तो ऐसी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो। ठीक है, अभी देखते कुछ ट्रेड मिलता है तो शेयर करेंगे आपके साथ या फिर डे क्लोज करने के बाद मिलेंगे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11 और हमने बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड ले लिया है शॉर्ट साइड का, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, एक अच्छा पैनिक फॉल के बाद ये रिट्रेसमेंट थी, तो ये रिट्रेसमेंट थी बस, ये कुछ मतलब रिकवरी वगैरह नहीं थी, बड़ा फॉल था इसकी वजह से एक बड़ी रिट्रेसमेंट होती है। एंड अगर फिबोनाची भी लगाए तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली गोल्डन रेशो मतलब 0.5 लेवल के, यहाँ से मतलब ये रिट्रेसमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होती है किसी भी ट्रेंड की, इससे कंटिन्यू मतलब इस लेवल से ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटी रहती, तो ये एक लॉजिक था, इस लेवल के आसपास हमें शॉर्ट करने का हमारा प्लान था। मार्केट यहाँ से एक निगेटिव रेड कैंडल जैसे डोजी कैंडल बनाई और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल करने लगा, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, तो निगेटिव पैटर्न रिट्रेसमेंट के बाद, तो इस जगह पे शॉर्ट किया था, फ्यूचर शॉर्ट किया हमने। और एक सेकेंड लॉजिक भी ये था कि ये वाला कि इम्पोर्टेंट लेवल थी ना, यहाँ पे बहुत कंसोलिडेट हो रहा था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल थी, देखो यहाँ से फिर से रिजेक्शन दिया था और ये ब्रेक कर दिया और इसको ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे, मतलब यहाँ पे बुलिश ट्रेड लिया होगा इस कैंडल पे बहुत लोगों ने और इसके बाद ट्रैप, तो ये ट्रैप करने के लिए भी एक प्राइस एक्शन हो सकती है, इसके वजह से हमने बेरिश ट्रेड लिया। तो करंटली अभी प्रॉफिट देखो चल रहा है 6000, बहुत ही कम हुआ है अभी सडनली, देखो अभी 15000 तक गया था अभी 5000, ये फ्यूचर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा अलग कर रहे हैं ना, फ्यूचर में ट्रेड लिया है और इंडेक्स का चार्ट देखो, इंडेक्स अच्छा गिरा है देखो, ये यहाँ पे इंडेक्स है और फ्यूचर थोड़ा सा रिएक्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है ना तो सडनली फ्यूचर बढ़ता है, तो हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं अभी, तो इसकी वजह से टाइम डिके वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और अगर जितना प्राइस बढ़ते हैं उतने पॉइंट्स हमें जाते या फिर मिलते, तो फ्यूचर देखो अभी सडनली बढ़ रहा है और देखते देखते हम ब्रेक इवन के आसपास आ रहे हैं और इंडेक्स तो नीचे ही है, ये देख सकते हो जब यहाँ पे ट्रेड लिया था ना उसके बाद यहाँ तक आया था मार्केट, फिर भी हम लॉस में थे जब फ्यूचर यहाँ से बढ़ रहा था, ये इतना नहीं गिरा अभी तक, गिर सकता है, ये वियर्ड चीजें होती है फ्यूचर ऑप्शंस में। और ठीक है अभी देखो 11-11 भी हो गए, 11-11 विश टाइम होता है तो ये विश करेंगे अच्छा प्रॉफिट हो जाए 1:3 1:4, तो इसमें रिस्क 10,000 के स्टॉप लॉस लगा के रखा, एक बार स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखाओ। हाँ
मिनट टू 1:2 यहाँ तक है ना, 1:2 यहाँ तक है, बट फ्यूचर में नहीं आ रहा, देखते हैं। 3 भी ट्राई कर सकते हैं, ट्रेंड ट्रेंड के साथ अगर जाता है तो 3 भी आ सकता है। टॉप लॉस ये वाला ऑर्डर लगा है टॉप 1238 का, तो अगर ये हिट होता है तो 10,000 के आसपास का लॉस होगा इस ट्रेड में। और टारगेट हम ट्राई करेंगे 20,000 से 30,000 रुपये, मतलब 1:2 से लेकर 1:3। तो टारगेट बुक करने के बाद आपको दिखाएंगे, या फिर स्टॉप लॉस जाता है तो भी दिखाएंगे। तो गाइज देखो, आज भी सेम चीज़ हो रही है, ये इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स के चार्ट पे हम अभी प्रॉफिट जोन में है, यहाँ पे एंट्री ली थी इंडेक्स के चार्ट पे एनालिसिस करके, और फ्यूचर पे ट्रेड लिया था। बट फ्यूचर देखो इंडेक्स से ऊपर जा रहा है, मतलब ये लॉस जोन में, और हमारा लॉस अभी चल रहा है 1,500-2,000 का। ये 13,000-15,000 तक प्रॉफिट गया था, मतलब यहाँ पे इंडेक्स पे स्टॉप लॉस भी नहीं जाएगा, बट हमारा फ्यूचर पे स्टॉप लॉस जाएगा पहले। सेम चीज़ हो रही है 10-15 दिनों से, तो अभी क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा फ्यूचर के हिसाब से, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। बट रिस्क रिवॉर्ड फिर भी नहीं आ रहा, ऑप्शन से फ्यूचर में आए थे हम, ऑप्शन में भी सेम चीज़ हो रही थी कॉल ऑप्शन में, और फ्यूचर में भी सेम चीज़ हो रही है। ऊपर जाते वक्त बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, और इंडेक्स के ऊपर जाता है ऑप्शन और फ्यूचर, और जब नीचे जाता है तब उतना ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा। ये देखो ये 2 लो सेम है, और फ्यूचर में देखो ये 1 लो और दूसरा लो ऊपर है, हालांकि सेम लेवल पर होना चाहिए। तो क्या अभी ऐसा ही हो रहा है, देखते अभी फ्यूचर पे जा सकता है स्टॉप लॉस इंडेक्स से पहले, पर लेना पड़ेगा अब 10,000 का स्टॉप लॉस की लिमिट है। उस दिन भी अनलकी रहे थे हम, स्टॉप लॉस गया भी नहीं था, उसके बावजूद हमारा जो इंडेक्स था, मतलब जो फ्यूचर था उसमें स्टॉप लॉस गया, और आज भी वैसे होने की पॉसिबिलिटी। इंडेक्स पे देखो बहुत नीचे है मार्केट, बट फ्यूचर ऊपर। तो अभी टाइम हो रहा है 12:58 और स्टॉप लॉस हिट हो गया सेकेंड ट्रेड का। फर्स्ट ट्रेड में 10,000 प्रॉफिट था, और सेकेंड ट्रेड ये था फ्यूचर का, इसमें 10,000 लॉस हो गया। तो अभी ब्रेक ही बने, और ये 2 हमने इन्वेस्टमेंट किए। तो आज हम एक रील डाल रहे हैं, वो ज़रूर देखो, थोड़ी फनी टाइप है। और आज का ट्रेड तो हो गया, तो अभी कुछ नहीं मिलेगा मोस्टली, नहीं करेंगे ना ट्रेड, मिलेगा मिलता है तो देखेंगे, और 10,000 के रिस्क लेके, नहीं तो क्लोज। थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है कॉल ऑप्शन और फ्यूचर में, इंडेक्स से पहले स्टॉप लॉस उठ रहा है, तो देख के करना पड़ेगा। और ओवरऑल प्रीमियम भी डाउन है, तो नॉन डायरेक्शन भी करके पॉइंट नहीं है। मार्केट क्लोज हो चुका है, एक ट्रेड और लिया था हमने यहाँ पे, गई पे तो शॉर्ट किया था, शॉर्ट का ट्रेड था, इम्पोर्टेंट लेवल थी, ब्रेक हो गई थी, उसके बाद तुरंत फॉल आया था, बढ़िया फॉल था, बट टारगेट थोड़ा सा पॉइंट से मिस हो गया। और उसके बाद मतलब ये 1:3, 1:2 के 1:4 आया था, देखो यहाँ पे एंट्री भी, हाँ, और ये स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट देखो 1:4 यहाँ पे आ गया था, हाँ, बट इतने फास्ट ये आ गया, और उसके बाद रिकवरी आई, तो टारगेट बुक नहीं कर पाए, और थोड़ा सा बड़ा व्यू था यहाँ से, ट्रेंड कंटिन्यू का व्यू था, इसलिए होल्ड किया था। बट इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद जो स्टॉप लॉस था, ये ट्रेल किया था एंट्री को, बिकॉज लॉस नहीं लेना था ये इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद, और ये एंट्री पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऑलमोस्ट 25,000 प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था इस पॉइंट पे, पर ऊपर जाने की वजह से पूरा गया, और ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। थोड़ा और ज़्यादा लेना था, हमारा व्यू था और थोड़ा नीचे जाता है, मतलब ये चैनल बना है ना, यहाँ पे था हमारा टारगेट इस लाइन पे, थोड़ा सा मिस हो गया और ये ऊपर, तो ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ ट्रेड, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। हाँ, तो ऑर्डर्स दिखाते हैं, देखो 235 को एंट्री थी, 250 लॉट्स, और ये थोड़ा सा यहाँ पे बाय मिस्टेकली ट्रिगर हो गया, तो फिर से एंट्री ले ली, उसी टाइम ले ली, मतलब 236 को एग्जिट हो गया गलती से, फिर से 236 को एंट्री ली, और यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। हाँ, तो MTM दिखाओ ब्रेक इवन पे, आज ब्रेक इवन पे क्लोज किया MTM, और ये 2 जो स्टॉक है वो होल्डिंग के लिए दिए, तो आज का डे ब्रेक इवन। हेलो, हाय, आर यू ट्विंस? आई एम अ व्हाट? ट्विंस, ट्विंस, या ओके, वी आर नॉट सेइंग अ लाइ, वेट, आर यू गाइस ट्विंस? या यस, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड।
हेलो स्कैमर, रिकॉर्ड कर रहे हो ना? राइट, रिकॉर्ड नहीं कर रहे? कर रहे ना। कौन चैनल नेम क्या आपके? चंद्री रिकॉर्डिंग। चैनल नेम क्या? चैनल नेम, चैनल नेम देखो ना, मनीवर्स पिंसर। मनीवर्स इसके बैट। और भाई कहाँ पे हो? अभी पुणे से हूँ। ठीक है, हम पंजाब से हैं। ओके भाई, फॉलो कर दो चैनल को। हाँ भाई, मैंने नोट कॉपी कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट। ओके थैंक यू भाई। ओके ओके ब्रो, डन डन। यस या, गुड लक बाय। हाय ब्रो। हेलो बस्ती का बस्ती एमसी स्टैन भाई, मेरे गांव से स्टैन भाई। चैनल का नाम क्या है? देखो नाम है, फॉलो करो। करता है, सर्च करता है। हेलो ब्रो, वेयर आर यू? ओह माय गॉड, लद्दाख ब्रो। वाह, इतना दिन है। सो लकी। देखो ब्रो, अरे वाह अभी, अरे हां सुबह ही अभी। अरे नाइस नाइस। एंड वहां पे टेंपरेचर कितना है अभी? 7 डिग्री। ओह माय गॉड। यूनिट कौन सा यूज कर रहे हो? 4G एयरटेल। 5G 5G। ओके 5G हो गया। ये दिख रही है सो। और वहां पे रहते हो लद्दाख पे? अरे यू आर सो लकी। क्यों भाई? अरे इतना अच्छा, कितना बढ़िया। अरे हमें डाउन अच्छा लगता है, आप लोग को यहाँ अच्छा लगता है। हमें लद्दाख में आना है एक बार। हमें नीचे आना है। आ जाओ, कभी भी आ सकते हो। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र ब्रो। जय लद्दाख। जय लद्दाख। यार लद्दाख का तो अभी बहुत बुरा हाल है यार, दलाई लामा के बारे में अजीब अजीब बोल रहे सब लोग। क्यों? पूरा दलाई लामा को पूरा अब्यूज कर रहा है ना सब मीडिया वाले। सम ब्लू टिक्स पीपल, इशू चल रहा है। तो इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है अभी तो लद्दाख में। ओके ओके, तो इज इट सेफ देयर राइट नाउ? या बहुत बुरा है यार अभी तो। आ जाओ फिर महाराष्ट्र। आ जाएंगे तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जाओ फिर से। यार प्रोटेस्ट तो आज ही खत्म हो जाएगा। होगा होगा, डोंट वरी। ट्रेडिंग वगैरह करते हो क्या ब्रो? ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में? नो ब्रो। ओके, अगर इंटरेस्ट हो तो आप फॉलो कर सकते हो हमें, यूट्यूब चैनल है हमारा मनीवर सिंह सर। ओके, अगर सीखना है तो वहां पे देख सकते हो वीडियोस प्लेलिस्ट में। बिटकॉइन इन्वेस्ट जो होते हैं? नहीं, बिटकॉइन का नहीं है, क्रिप्टो करेंसी होती है। बट वो स्टडी आप अप्लाई कर सकते हो कहां पे भी। सेम स्टडी होती है, हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ब्रो, आई विल चेक। यस यस, चलो चलो भी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल ब्रो। बाय। चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। हेलो पाजी। हे यूट्यूबर। फॉलो करो, फॉलो प्लीज, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल मनीवर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुटरे कोकणा दे कोकणा। हैं आईफोन? यू हैव आईफोन? No bro, that is low profit. Motorola, only 10,000 rupees. Motorola. $10,000? Dollar rupees. Dollar rupees? No, no bro, Indian currency rupees. We are from United States of America. United States of India. Where are you? Karnataka. Okay. Aap kahan se? हम महाराष्ट्र से, पुणे। बगल में ही है। बगल में है। सीएसके रांची की? अरे भाई सीएसके।
इस बार कौन जीतेगा? स्टॉक मार्केट के बारे में पता है कुछ? हाँ, ग्रो के बारे में थोड़े थोड़े। हमारा चैनल है, देखो, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब पे मनीवर्स फिंसर नाम डाला है, देखो। मनीवर्स एक मिनट तो लगा आंड यूनिवर्स मनीवर्स 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 फाइनेंशियल फिंसर 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 अभी अलग से Yes, कर दो भाई सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के भी बोल कर दिया थैंक यू हाय आई हैव अ पिकअप लाइन फॉर यू व्हाट इज योर नेम सारा यस सारा माय नेम इज आल्सो सारा इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस कैन आई कॉल यू माइन दैट्स प्रीटी स्वीट दैट्स गुड व्हाट्स योर वन व्हाट How's it going? Okay, I have a second one for you. Okay. Did it hurt when you fell from heaven? That's a good one. Classic. Thank you. What's the one? Yeah. Oh wait. And are you? So I am. That's right. Yeah. Let me see. Are you a cat? No. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिए और शेयर विद योर फ्रेंड्स और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक है